नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनाली। स्विगी के डिलीवरी बैग के साथ बुर्का पहने महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोगों ने इस तस्वीर को फर्जी बताया तो कुछ ने महिला के काम की तारीफ की। सोशल मीडिया पर कई तरह के विचार इस महिला को लेकर आ रहे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये सच में स्विगी की डिलीवरी एजेंट है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में नदवा कॉलेज की तरफ जाने वाली सड़क पर बुर्का पहने एक महिला की तस्वीर को किसी ने क्लिक किया, जिसमें महिला के पीठ पर स्विगी बैग भी था। तस्वीर क्लिक करने वाले शख्स ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद लोगों ने महिला के समर्पण भावना और उसकी कड़ी मेहनत के लिए तारीफ करना शुरू कर दिया, लेकिन चेहरा नहीं दिखने की वजह से उसे पहचानने में दिक्कत हो रही थी। कड़ी मेहनत करने वाले परिवार का पेट पालने वाली इस महिला के बारे में जानकारी मिली कि ये कोई स्विगी की एजेंट नहीं बल्कि घरेलू हाउसवाइफ है, जो डालीगंज में घरों में काम करके परिवार का भरण पोषण करती है। इस महिला का नाम रिजवाना है और इसकी उम्र 40 साल की है। रिजवाना तक जब ये बात पहुंची तो उसे कई सवाल हुए। रिजवाना ने कहा कि वो सुबह शाम में लोगों के घरों में काम करती है, इससे उसकी 1500 रुपए तक की कमाई हो जाती है। इसके बाद वो फेरी वाले के रूप में भी काम करती है। दोपहर में वो चश्मा, डिस्पोजेबल ग्लास और कपड़े बेचती है। इससे हर महीने 5 से 6 हजार रुपए की कमाई हो जाती है। इससे उसके घर का चूल्हा जल पाता है। रिजवाना 4 बच्चों की माँ है, जिसमें एक बेटी की शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में रहती है, जबकि 2 बेटियां और 1 बेटा उसके साथ ही रहते हैं। रिजवाना अपने बच्चों के साथ 10x10 के कमरे में रहती है। स्विगी बैग के बारे में पूछे जाने पर रिजवाना ने कहा कि डिस्पोजेबल ग्लास और कप रखने के लिए मुझे एक मजबूत बैग की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसे डालीगंज पुल पर बेचने वाले एक व्यक्ति से 50 रुपए में खरीदा। तब से मैं अपना सामान इसी बैग में लेकर चल रही हूँ। मैं स्विगी के लिए काम नहीं करती, मैं इस बैग में अपना सारा सामान लेकर काम के लिए बाजार जाती हूँ। मैं हर दिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती हूँ। रिजवाना ने बताया कि एक दुकानदार ने उसकी तस्वीर दिखाई और बताया कि तस्वीर वायरल हो गई। इसके बाद उसे एक व्यक्ति मिलने आया और बैंक अकाउंट नंबर भी मांगा। तस्वीर के वायरल होने के बाद रिजवाना को कई लोगों से मदद मिली। ये मदद उसके लिए काफी मायने रखती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को खुद पालती है। जी हाँ, तो किसी ने लखनऊ में नदवा कॉलेज के पास स्विगी बैकअप के साथ बुर्का पहने एक महिला की तस्वीर क्लिक की और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। देखते ही देखते ये तस्वीर इंटरनेट पर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। इसके बाद तस्वीर को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने रूढ़िवादिता को तोड़कर आगे आने के लिए महिला की सराहना की, तो किसी ने चेहरा नहीं देखने की वजह से उसे मिस्ट्री वुमन करार दिया। लोगों ने ये भी पूछा कि क्या सच में ये महिला स्विगी की डिलीवरी एजेंट है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।